सो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया हो गए एंड ऑलवेज गाइस बढ़िया ही रहना। सो गाइस, आज की वीडियो में आज अपन लोग बात करने वाले हैं सोलो रैंक पुशिंग टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। सो गाइस, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, गाइस आप लोग को पता ही होगा मेरी मेन आईडी नल्ला यश वाली जो इस ईयर रीजन पे टॉप 2 पे थी एंड गाइस इस आईडी के साथ स्कैम हो गया। जैसा कि आप लोग को पता है मेरी आईडी मतलब फेसबुक से लॉग इन थी एंड गाइस मेरा फेसबुक डिसेबल हो गया। आप लोग देख रहे हो 4 दिन से मेरी आईडी ऑफलाइन है एंड गाइस बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि यश भाई तुम्हारी आईडी मतलब वापस आ गई। तो देखो भाई लोग, इस समय जो मैं जिस आईडी से ऑनलाइन हूँ 78 लेवल वाली, गाइज ये मेरी पहली आईडी थी एंड गाइज ये आईडी मैंने राकेश भाई को दे दिया, ठीक है। तो गाइज मैं इस आईडी से कभी कभार खेलता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अभी कोई फिलहाल में आईडी नहीं है, एक वो पहली जो आईडी थी मेरी 42 लेवल वाली आईडी एंड गाइज ये 78, मतलब गाइज समझ सकते हो मेरे पास दो आईडी है, एक आईडी अपने राकेश भाई खेलते हैं और एक आईडी मैं खेलता हूँ। सो गाइज छोड़ो यार वो सब बात हटाते हैं एंड गाइज अभी अपन लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक को बात करते हैं गाइस रैंक पुशिंग के बारे में। सो गाइस अभी अपन लोग बात करेंगे कैरेक्टर स्किल के बारे में। देखो भाई लोग, मैं आप लोग को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, लाइक देखो मैं आप लोग को जो जो कैरेक्टर स्किल आप लोग को बताऊंगा गाइस वो सब मैं कैरेक्टर स्किल के साथ मतलब आप लोग को गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा फुल मैप में, ठीक है। तो अभी भाई लोग अपन लोग जाएंगे कैरेक्टर वाले कॉलम में एंड गाइस देखो मैं आप लोग को एक ऐसा कैरेक्टर स्किल बताने वाला हूं, लाइक वो कैरेक्टर स्किल आप लोग को सर्वाइविंग एंड फाइटिंग दोनों में सबसे ज्यादा यूज आने वाला, ठीक है। और मैं उसका गेम प्ले भी करके दिखा लास्ट में। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच कर लेना एंड गाइस इस वीडियो में मैंने 400 का रिडीम कोड दिया है, ठीक है, कहीं बीच में। तो गाइस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ठीक है, तभी आप लोग जीत सकते हो 400 का रिडीम कोड। तो चलो भाई लोग अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो सबसे पहले अपन लोग कैरेक्टर स्किल पे जाएंगे एंड गाइस देखो आप लोग को ना कोई के कैरेक्टर लेना है ना आलोक लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को लेना है क्रोनो और गाइस अभी आप लोग कोई क्वेश्चन मत पूछना कि भाई क्रोनो क्यों ले रहे हो, मैं आपको लास्ट में इसका अच्छे से गेम प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड गाइस अभी अपन लोग बात करेंगे क्रोनो के अंदर जो अपना तीन और कैरेक्टर स्किल क्या क्या लेना है। गाइस देखो उसमें आप लोग को लेना है मैक्सिम कैरेक्टर और भाई लोग आप लोग में से बहुत भाई लोग को मतलब पता होगा मैक्सिम कैरेक्टर के बारे में एंड गाइस बहुत भाई लोग को नहीं पता हो, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं। गाइस देख सकते हो यहां पे इसका पावर मतलब कोई भी अगर आप लोग ईट करते हो कोई भी ईटिंग करने वाला सामान जैसे लाइक मेडिकेट मशरूम रिपेयर किट वो रिपेयर वाला जो टूल बॉक्स होता है वो सब कुछ आप बस गाइस मतलब 2 या 3 सेकंड के अंदर यूज कर सकते हो। लाइक आप लोग को पता होगा एक नॉर्मल मेडिकेट यूज करने में हम लोग को 6 से 7 सेकंड लगता है नॉर्मल ऐसे ही, तो गाइस अगर आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर यूज करोगे तो गाइस 2 सेकंड के अंदर आप लोग उसका मतलब मेडिकेट यूज कर सकते हो। तो गाइस आप लोग को मैक्सिम कैरेक्टर लेना एंड गाइस अभी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं गाइस, मैं इसका गेम प्ले अभी लास्ट में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और भाई लोग अभी अपन लोग बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर के बारे में। सो गाइस देखो अभी अपन लोग को लेंगे गाइस फोर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो आप लोगों से बहुत भाई लोग को पता होगा एंड गाइस बहुत भाई लोग को नहीं पता होगा, तो गाइस कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता यार आपका भाई है ना जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसका भी मैं आप लोग को यूज करके दिखा दूं, अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं। लाइक आप लोग को पता होगा फोर्ड कैरेक्टर आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड जोन में यूज नहीं आता है, ठीक है, मैं आप लोग को पहले बता दूं। ये कैरेक्टर आप लोग को यूज में आता है थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स जोन में। अब कैसे आता है मैं बता रहा हूं, देखो लाइक आप लोग को पता होगा थर्ड या फोर्थ जोन में हम लोग का एचपी 8-8 का आता है, ठीक है। जब 8 का हेल्थ काटेगा तो गाइस ये फोर्ड कैरेक्टर ना वहां पे यूज आता है। लाइक अगर आप लोग को फोर्ड कैरेक्टर यूज करोगे तो उस समय 8 का हेल्थ ना काट के आपका 4 या 5 का हेल्थ काटता है, तो गाइस इस ये कैरेक्टर भी आप लोग के लिए बेस्ट पड़ेगा सर्वाइविंग के लिए, ठीक है। सो गाइज अभी अपन लोग बात करते हैं गाइज फोर्थ कैरेक्टर के बारे में। सो गाइज अभी अपन लोग का फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है गाइज पालोमा। तो भाई अभी पालोमा तो सबको मतलब पता ही होगा पालोमा का क्या यूज होता है। लाइक आप लोग को पता होगा पालोमा जब आप लोग लेके यूज करोगे तो आप लोग ARMO मेडिकिट सब कुछ ज्यादा उठा सकते हो। लाइक अगर आप लोग पालोमा रखते हो तो गाइज आप लोग 8 मेडिकिट एक्स्ट्रा उठा सकते हो, 200 SMG AMO, 180 ARMO और 6-7 वॉल, 2-3 ग्रेनेड, मतलब गाइज आप लोग के लिए पालोमा सबसे बेस्ट पड़ेगा सर्वाइविंग के लिए। क्यों पड़ेगा आप लोग को पता है, मैं लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अभी अपन लोग बात करेंगे इस कैरेक्टर स्किल अपना कंप्लीट हो गया एंड गाइस अभी अपन लोग जाएंगे पेट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग को लेना है पेट वाले सेक्शन में गाइस वैगर पेट क्यों लेना है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो नॉर्मल सी बात आप लोग को पता होगा वैगर पेट अपन लोग को ग्लूवॉल देता है, ठीक है। तो इसका यूज सबसे ज्यादा आने वाला है अपने मतलब फुल मैप में सोलो में खेलने के लिए, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को पता होगा सोलो में आप लोग अगर एक बार मर जाओगे तो आप लोग को रिवाइव देने कोई नहीं रहेगा, तो गाइज इसका भी मैं मतलब अच्छे से आप लोग को डिटेल देने वाला हूँ कि आप लोग कैसे खेल के अपना बेस्ट सर्वाइविंग करके आप लोग हर गेम बुइया एंड गाइज या फिर टॉप 2 करके अपना हर गेम प्लस कर सकते हो एंड गाइज इसी के थ्रू आप लोग रीजन पे जा सकते हो, ग्रैंड मास्टर पुश करते हो और क्या पता गाइज ग्लोबल टॉप 1 भी कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज अभी आप लोग को लास्ट वन लेना है गाइज, यहाँ पे आप लोग को जाके लेना है गाइज बॉनफायर एंड स्कैनर। बॉनफायर का गाइज देखो क्या क्या यूज होता है। लाइक आप लोग को पता होगा जब आपका हेल्थ कम रहेगा या फिर जोन में फंसे रहोगे
या फिर आपके ऊपर मान लो 20 का हेल्थ बचा है और आपके ऊपर कोई बंदा रस कर रहा है, तो उस समय गाइस आप लोगों का बॉनफायर सबसे ज्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। बॉनफायर आप लोगों को तुरंत एचपी दे देगा। एंड गाइस स्कैनर का आप लोगों को पता होगा स्कैनर का क्या यूज आता है। अगर आप लोग कहीं भी स्टार्टिंग में लैंडिंग कर रहे हो तो स्कैनर में अगर कोई आगे पीछे बंदा रहेगा तो गाइस आप लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पीछे दो बंदे आ रहे हैं, तीन बंदे आ रहे हैं। तो गाइस ये जो मैं आप लोग को बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक बताया हूं, कैसा लगा आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में। एंड गाइस अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लो। एंड गाइस जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर से जरूर करना। सो गाइस देख सकते हो यहां पे अपन लोग रैंक गेम के अंदर आ चुका है। एंड गाइस देख लो वहां पे रैंक गेम है, ठीक है। ये मत बोल देना कि यश भाई तुम क्लासिक में खेल लेते हो गाइस, मतलब मेरे को बहुत कमेंट आते हैं ऐसे, ठीक है। तो गाइस देखो आप लोग को लैंडिंग कैसे करना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो आप लोगों से बहुत भाई लोग स्टार्टिंग में उतर जाते हो, तो गाइस देखो ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को प्लेन में बैठे रहना है। एंड गाइस लास्ट तक वेट करना है क्योंकि अधिकतर बंदे स्टार्टिंग में ही कूद जाते हैं। गाइस देख सकते हो 50 बंदे थे, 50 में से गाइस बस 15 बंदे बचे हैं, मतलब समझ सकते हो जितने बंदे थे अधिकतर बंदे पीछे उतर गए। तो गाइस देखो आप हमेशा आप लोग को प्लेन के अंदर होल्ड करना है, लास्ट तक जाना है। एंड गाइस वहां पे आप लोग को जाके लैंड करना है। सो गाइस देख सकते हो यहां पे 9 बंदे हैं, तो बहुत भाई लोग अब 9 बंदों में से आप लोग चले जाओगे बहुत भाई लोग ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो गाइस देखो ऐसा कुछ नहीं करना, आप लोग को ऑब्जर्वेटरी नहीं जाना है, आप लोग को उसके सामने वाले प्लेस पे जाना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो यहां पे मेरे ऑब्जर्वेटरी के सामने वाला प्लेस है ग्रेवियार्ड, ठीक है। तो गाइस मैं वहां पे जाऊंगा। एंड गाइस देख सकते हो मेरे पीछे देखो स्कैनर में भी बंदा शो कर रहा है, ठीक है, एक बंदा आ रहा है। एंड गाइस देखो दो बंदे, मतलब आप लोग समझ सकते हो स्कैनर का कितना ज्यादा अपन लोग को यहां पे यूज आ रहा है। और भाई लोग जैसे ही लैंड करोगे लैंड करने के बाद जल्दी से आप लोग को लूट करना है। लाइक देखो आप लोग को ज्यादा लूटिंग में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से आप लोग को थोड़ा मोटा जो भी वेस्ट हेलमेट मिले और गाइस जितना हो सके आप लोग मेडिकेट उठा लेना, भले से एमओ एमओ कम रखना, ठीक है। आप लोग को मेडिकेट उठा के गाइस आप लोग को सर्वाइविंग वाले प्लेस पे जाना है। तो देखो भाई लोग आप लोगों से बहुत भाई लोग को पता होगा यार आप लोग बहुत सी वीडियो देखते हो कि हिडन प्लेस कहाँ है, कौन से सर्वाइविंग प्लेस है। देखो गाइस आप लोग को ऐसा कोई वीडियो देखना नहीं है, ठीक है। आप लोग को अपना सर्वाइविंग प्लेस खुद बनाना होता है, ठीक है। आप लोग जो भी प्लेस पे जा रहे हो उसके अगल बगल आप लोग को सर्वाइविंग प्लेस ढूंढना होता है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो मैं एकेडमी साइड उतरा था तो इधर गाइस कोई भी सर्वाइविंग प्लेस नहीं था। तो गाइस अपन लोग के पास एक लास्ट ऑप्शन होता है पानी के अंदर जाना, ठीक है। अगर आप लोग के पास कोई भी सर्वाइविंग प्लेस ना बचे ना तो गाइस आप लोग हमेशा पानी के अंदर चले जाओ। एंड गाइस वहां जाने के बाद आप लोग को ना पूरा पानी के साइड एकदम पूरा अंदर चले जाना, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई बंदा ना मार पाए। एंड गाइस वहां पे आप लोग को वेट करना है फर्स्ट जोन बनने। तो गाइस देख सकते हो यहां पे अपन लोग का फर्स्ट जोन बन चुका है। तो गाइस देखो इतना जैसे ही आप लोग का जोन बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, तो आप लोग को हमेशा जोन के मतलब बाहर निकलने का ट्राई करना है क्योंकि गाइस देखो अपन लोग के पास आलोक ना की कैरेक्टर, ठीक है, क्रोनो है। तो गाइस थोड़ा आप लोग को जल्दी जोन में निकलना होगा, ठीक है। एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिम कैरेक्टर का यूज देख सकते हो, भाई लोग 2 सेकंड के अंदर मेडिकेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप लोग को जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था मैक्सिम कैरेक्टर का यूज मैं आप लोग को लास्ट में करके दिखा दूं। देख सकते हो यहाँ पे मैंने आप लोग को मैक्सिम कैरेक्टर बता दिया है। तो भाई लोग अभी अपन लोग बात करेंगे कि आप लोग को जोन कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो गाइस देखो कभी भी आप लोग को डायरेक्ट सेंटर में नहीं जाना, लाइक आप लोग को हमेशा जोन के साइड साइड से आना है, जोन के कॉर्नर के साथ। जैसे ही जोन बनेगा जोन के साथ आप लोग को निकलना है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को हमेशा एक चीज नोटिस करना है, अगर आपके सामने कोई बंदा रहेगा तो गाइस आप लोग को हमेशा उसको मतलब उसके ऊपर रस नहीं करना, ठीक है, उससे जितना हो सके दूर भागो, लास्ट जोन तक जाओ, लास्ट जोन जाने के बाद आप लोग को फाइट लेना है। सो गाइस देख सकते हो यहां पे मैं सरवाइव कर करके यहां पे लास्ट जोन आ चुका हूं। एंड गाइस यहां पे लास्ट जोन आने के बाद आप लोग को फाइट लेना है, फाइट करके किल करना है, किल के साथ आप लोग को डैमेज करना है। अगर आप लोग ये सब कर लोगे तो आप लोग को लास्ट में जाके प्लस कर देगा। और भाई लोग आप लोग को लास्ट जोन में मतलब डायरेक्ट शॉर्ट रेंज में नहीं घुसना है, ठीक है, आप लोग को हमेशा मतलब लॉन्ग रेंज फाइट करके हमेशा किल और डैमेज उठाना है, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो यहां पे मैं मतलब लॉन्ग रेंज में ही डैमेज दे के अपना डैमेज बढ़ा रहा हूं और किल कर रहा हूं, ठीक है। सो गाइस देखो जितना आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक था मैंने बता दिया। सो इसी बात पे अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लो। एंड गाइस जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर करो। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।